रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ मैं। अच्छा, अल्ताज़ रोस्ट पर मौजूद हूँ। मैंने आपके साथ ना पहले भी एक वीडियो शेयर किया है इनकी क्या सूरत हाल है, क्या सिस्टम है। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा इनकी, मैंने पहले नहीं ली है ये, आज ली है। तो क्या चीज़ है वो, काफ़ी आपको उसमें अगर आप वो लेते हैं तो थोड़े प्राइस तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप यकीन कीजिएगा मज़ा आएगा। तो अगर आप छोटी लेते हैं ना, तो जो मैंने पिछली दफ़ा ली थी तो उसमें इतना मज़ा नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी सूरत हाल और वो चीज़ भी दिखाता हूँ क्या है, तो देखते हैं। रिसेप्शन, ये रिसेप्शन बोल रहे हैं आप या बोल रहे हैं जी ऑर्डर काउंटर? तो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, देख लें, 2 मीटर का फासला जी एक से दूसरे का दरमियान रखा गया है। तो ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर देखते हैं जी कितने का ब्रोस्ट है, क्या हिसाब है। एक चीज़ मैं इनकी आपको दिखाऊँगा आज, बैलन पड़ी हुई है जी, देख लें सलाद। इसके अलावा से प्राइस है, अगर आप ये लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। मुख्तलिफ क्रिस्पी रोल वगैरह, जदीद शक्कन फ्राइज़। तो आप नीचे, आपको मैं काउंटर दिखाता हूँ एक, उस पर भी आपको कुछ भी लेना हो प्राइस वगैरह साथ में लिखे हुए हैं। ये देख लें, ये काउंटर बना हुआ है। तो ये काउंटर देख लें, इस पर मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, ब्रोस्ट वगैरह देख लें, तो सब के प्राइस लिखे हुए हैं। ये अल्ताज़ जी देख रहे जी, अभी नमाज का टाइम से बात से खुला है, तो रश नहीं है इसलिए इतना, तो देख लें। लेकिन इधर ज़्यादा बंदे बैठने नहीं देंगे, 4 पर्सन का जो बेड है ना, यानी बोल रहे 4 बंदे बैठ सकेंगे, इस पर 2 बंदे बैठने देंगे ये जी। तो आपको ना थोड़ा इनकी वाशरूम की सर्विस भी दिखा दूँ अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ है टूटी, देख लें आप, ये नीचे हाथ करेंगे पानी आएगा बस। ये अच्छी चीज़ है यार। अच्छा, साबुन वगैरह, हैंड वाश, अच्छा साथ में लगे हुए हैं टिशू, आप टिशू निकालें बाद में, अपने हाथ वगैरह साफ करें। तो ये वाशरूम की सर्विस भी अच्छी है यार इनकी। रोस्ट देख लें, ये आप रोस्ट आ गए हैं तो अच्छा, साथ में पेप्सी है जी, साथ में लहसुन वगैरह, केचप वगैरह है। तो प्राइस आपको मैं बता दूं, अगर 2 ब्रोस्ट आप खरीदते हैं जी, दोनों को प्राइस देख लें आप। अच्छा, ये 38 यानी कि 38 रियाल में 2 ब्रोस्ट हैं जी, और साथ में 2 पेप्सी हैं जी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये प्राइस बने हैं 40, सॉरी ब्रोस्ट और पेप्सी मिलाकर 38 बने हैं। तो साथ में 2 रियाल टैक्स दिया है जी, और ब्रोस्ट का जो प्राइस है वो आपको मैं देखकर बता देता हूँ क्या है जी। जी तो ये पेप्सी समेत है जी, साथ में इसके पेप्सी है, देख लें आप। पेप्सी समेत ये 1938 यानी कि 2 रियाल पेप्सी कबीर ली है। अच्छा, जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता था ना वो यही थी कि आप अगर ब्रोस्ट खाते हैं ना अलबेक वालों का, तो साथ में पेप्सी बड़ी लीजिएगा, इसका मज़ा देखिएगा। फिर छोटी पेप्सी आप लेते हैं, वो उतनी देर में ब्रोस्ट ख़त्म नहीं होता जितनी देर में पेप्सी ख़त्म हो जाती है। तो आपको मैं और भी दिखाता हूँ इसके मतलब, इसके खोलते हैं देखते हैं। अच्छा, स्पेसी है जी फुल, साथ में काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेप्सी बड़ी पेप्सी लीजिएगा, इसके साथ दरमियानी साइज की, मिड साइज की आप लेते हैं, ये ब्रोस्ट तक भाई ख़त्म नहीं होता, पेप्सी पहले ख़त्म हो जाती है, इतनी तो आइस डाल देती है ये। तो बड़ी पेप्सी लीजिएगा, आपसे 1 रियाल से ज़्यादा लेंगे ये बस। आप ब्रोस्ट के साथ मिड साइज पेप्सी लेंगे तो 18 रियाल लगती है, अगर बड़ी पेप्सी लेंगे तो सिर्फ 19 रियाल लेंगे आपसे। तो आपको भाई 1 रियाल का फ़ायदा, 1 रियाल ज़्यादा लेंगे, लेकिन पेप्सी मेरे हिसाब से बड़ी है, अगर आपकी मर्ज़ी है यार जैसे वो। तो ठीक है, खाते हैं जी, शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना। ब्रोस्ट के साथ ना यहाँ पर ताज़ज वालों की तरफ से आपको ये इनकी एक सहूलत अच्छी है, वो क्या है, ये खुबज बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, एक गर्म है जी, देख लें आप। अच्छा, ये गर्म होते हैं, फ्रेश होते हैं, इधर ही लगाती हैं ये, इधर ही तंदूर टाइप इन लोगों ने अपनी भट्टी वगैरह लगाई हुई है। तो अगर आप अलबेक वगैरह से बंद मिलते हैं, ज़्यादा बंद मालते हैं, वो बोलते हैं जी पैसे दो। लहसुन वगैरह भी इनकी तरफ से देख लें आप, मैंने उससे लिया है, उसने 2 पीस ज़्यादा दे दिया है, वैसे भी आप ले सकते हैं, और 1 रियाल 2 रियाल के आपसे लेंगे। तो इनकी सहूलत तो वैसे अच्छी है, ब्रोस का जैकट वगैरह भी अच्छा है जी, स्पेसी का मैंने आपको सब बता दिया है, काली मिर्च वगैरह भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे तो यार ठीक लग रहा है यार।